नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme Narzo 60 या फिर Realme Narzo 60 Pro 5G मोबाइल में आप किस तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी ऐप्स को हाइड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। एंड सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे मिल जाएगा प्राइवेसी। तो आपको क्या करना है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी, तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है हाइड ऐप्स, तो आपको हाइड ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप हाइड ऐप्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, जिस भी ऐप्स को हाइड करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद यूज पर क्लिक करेंगे, फिर से पासवर्ड डाल देंगे। आप सिक्योरिटी आंसर में कुछ भी डाल सकते हो, राइट के निशान पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों, सेट एक्सेस कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से हैज लगाना है। और 4 अंकों का कोई भी एक्सेस कोड आप बना सकते हो अपनी तरफ से, उसके बाद फिर से हैज लगाना है, ये आपका एक्सेस कोड हो जाएगा। और यहाँ के राइट के निशान पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद जिस भी ऐप्स को आप हाइड कर दोगे वो ऐप्स आपके फ़ोन से हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो वो फोन जो है ऐप्स हाइड हो चुके हैं। अब दोस्तों, उस ऐप्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है डायलर में और यहाँ पर वही वाला कोड पेस्ट करना है, हैज 000, जो कि मैंने बनाया था, आप भी बनाए होंगे। देखिए यहाँ पर हाइड हुए ऐप्स आपके सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं।